वेलकम बैक टू जॉक जिंदगी। डॉक्टर साहब आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? आज तो मैं फर्स्ट क्लास बातों में बिल्कुल वक्त जाया नहीं कर रहा, बिकॉज इतने पेंडिंग क्वेश्चन हैं। बिल्कुल करते हैं, आप तमाम आराम आराम से। ये एक मसला आया है, लेकिन अब क्या आया है, हम बिल्कुल बीच में नहीं बोलेंगे मसले। अच्छा, कल नौशीन ने हमें कॉल की थी लाहौर से, उनको फेस कॉन्टोरिंग का मसला था। नौशीन, आपको हमने जवाब दे दिया था, एक्सरसाइज रह गई थी। बिल्कुल, वो एक्सरसाइज बता दीजिए। बिल्कुल, अच्छा देखिए, बहुत सिंपल था। अगर तमाम बड़ी जिस तरह नौशीन आप कंटिन्यू करिएगा, तो बहुत जल्दी आप उसको जब पूरी, मगर एक ये है कि पूरी बॉडी का भी फैट कंट्रोल करते चले जाना है, ठीक है। टैबलेट्स मैंने आपको बताई, सब चीजें बता दी। आप सिर्फ आपको क्या करना है कि जो आपको चिन को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, देखिए ये आपको पोस्चर बड़ा मेंटेन करके रखना है, ठीक है, कि आपकी ये जैसे हम लोग बैठे थे ना, ढीले ढाले, ये नहीं, एक पोस्चर जरा बिल्कुल आपका हो, एक पीआईए वाली है, होस्टेस वाला, जो अच्छी वाली जो होती है ना, उनका वाला, देखिए बिल्कुल इस तरह से आप बिल्कुल टाइट करके ना बैठे तो ये वाला होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि बहुत सिंपल सा, ये देखिए आपने इस तरह से ये लेकर, और आपके जो ये कॉलर बोन्स हैं, ठीक है, यहाँ इनको अच्छी तरह से स्ट्रेच जितना आप कर सकते हैं वो करें, च्विंगम खाएं, क्रीम लगाएं, ठीक है, ये आपको खूब करना है। और ये देखिए ये पॉस्चर आपका, इसको इसको मेंटेन करना है, ठीक है। बहुत जल्दी आप देखिएगा कि आपकी कंटोरिंग होती चली जाएगी, बड़ा अच्छा चीक बोन्स, बड़ा एक वो जो आप जॉ लाइन चाह रही है प्रोमिनेंटली, वो बिल्कुल। और इमरान खान ने सऊदी अरेबिया से कल हमें कॉल किया था, उनका मसला था कि उनका पेट भरा हुआ है, खुराकें ऐसी हैं। अभी एक और भी हमारे पास कॉलर आई थी, वो भी यही रोना रो रही थी, सऊदी अरब से पेट वजन बढ़ा हुआ है सारा। तो आपने उसका जवाब दे दिया था, एक्सरसाइज रेडी थी। बिल्कुल, अच्छा देखिए, बड़ा इमरान आपके लिए बड़ा सिंपल था। देखिए, एक तो ये जो हमने पूरी चीजें बताई थी वो कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, पेट पे आप एक तकिया रख के ना, देखिए बड़ी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो पेट अंदर की तरफ जाए, ठीक है, और थोड़ा कोशिश किया करें कि बेल्ट लगा के रखें उसको थोड़ा सा ना, वही अगेन कि हम ढीले नहीं बैठेंगे, बिल्कुल कोशिश करें कि पेट वेट अंदर करके बैठे, मतलब इतना पता ना चले कि आप अंदर किए हैं, एक नेचुरली, ठीक है, सांस ही लेते रहे, सांस ही लेना जरूरी है, ठीक है, सांस ना रोकिएगा, 3 घंटे से ज्यादा ना रोकिए। अच्छा, ये बिल्कुल सिंपल था, पेट के नीचे तकिया रखे, ठीक है, ये प्लेन करना है। और एक देखिए दूसरा पोस्चर, ये नीचे वाला, बिल्कुल आपको पेट के नीचे हमने तकिया रखा है, और जितनी आप साइकिल चला सकते हैं ना, ठीक है, और थोड़ा सा हार्ड सा, मतलब बिल्कुल हार्ड भी ना हो और बिल्कुल फोम भी ना हो, मतलब एक दरमियान की चीज, उसने आगे करेंगे, बिल्कुल पेट जो है खिंच जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और रबिया ने शिकागो से हमें कॉल करके दो सवालात पूछे थे, एक तो हेयर थिनिंग, बाल जो है वो कम होते जा रहे हैं, दूसरा ये कि फेस के ऊपर जो हल्की सी आम सी जो छाइयां आ जाती हैं, पैचेस आ जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल वो, उसके बारे में उन्होंने पूछा था। और व्हाइटनिंग क्रीम के बारे में पूछा था, अक्सर फेसबुक के ऊपर आपने एक सवाल यहाँ पे पूछा है, मैंने आपका सवाल पढ़ा है, व्हाइटनिंग का इश्यू है, उनकी शादी होने वाली है, मेरे ख्याल से सबको मर्ज करते हैं, व्हाइटनिंग का बिल्कुल, ये जो हमारा रबिया का था उनसे हेयर थिनिंग का पहले, रबिया देखिए बहुत सिंपल था, हेयर थिनिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूं, और बहुत जल्दी इससे फर्क आएगा आपके बालों में। पहली बात तो आपको तमाम, मेरे ख्याल है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, मैं आपको बेसिक विटामिन तो आप वहां लेती रहती है, जिसके अंदर विटामिन A to Z तमाम कंप्लीट होंगे, ठीक है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये कि आप उनसे कहें कि कॉपर एंड कोबाल्ट, COBALT, कोबाल्ट एंड कॉपर वाली विटामिन ज्यादा खाएगा। उसके अलावा जो भी आपके घर में अंडे यूज होते हैं, उनको अच्छी तरह साफ करके उनके छिलके बिल्कुल क्रश कीजिएगा, थोड़ा सा सफेद जीरा, काली मिर्च और मिश्री, अगर मिश्री वहां अमेरिका में इतनी अवेलेबल नहीं है तो आप ब्राउन शुगर मिक्स करके एक जार में रख दें, और सुबह दोपहर रात हाफ हाफ टीस्पून खाएंगे, बड़ा एनर्जेटिक है, बड़े बाल आपके अच्छे आना शुरू होंगे। अब मैं आपको बालों के लिए बड़ा सिंपल सा तेल बता रहा हूं, देखिए बहुत जल्दी आपके बालों की ग्रोथ होगी। आप वैसे तो हम लोग अब डॉक्टर्स के पास आते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट देते हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूं बड़ा सिंपल, आपको आधा किलो लेना है नारियल का तेल, आधा किलो नारियल का तेल, तकरीबन एक डंडा पूरा मुलेठी आपको वहां मिल जाएगी, बिल्कुल क्रश करके इसके अंदर डालिएगा। जूट, ये देखिए इस तरह का जूट जो होता है ना, जैसे बोरी में ये नीचे जो कपड़ा दिखा रहे हैं हम, ठीक है, ये जूट जो होता है, जो बोरी वाला जिसमें आटा आता है ना, ये तो तकरीबन रुमाल के साइज का लेकर आप बिल्कुल क्रश करके उसके अंदर डालिएगा, ठीक है। ऐड कीजिएगा मोमेटासोन क्रीम, पूरे वर्ल्ड वाइड अवेलेबल, दुनिया भर में, MOMETASONE 10 ग्राम, इन तमाम चीजों को क्रश्ड आमंड के साथ खूब पकाएं, अच्छी तरह बॉइल अप होने के बाद ठंडा करके 3 दिन आप धूप में रखें, और उसके बाद खूब मालिश कीजिएगा, बाल बड़े जल्दी से। और फॉरन से एक कॉल ले लेते हैं, इंटरनेशनल कॉल है सऊदी अरेबिया से, हमारे पास रूबी की कॉल है, उनका क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर वापस जवाब की तरफ जाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम मेरी कॉल मिली थी, वो बालों के लिए खुरम ने बताया था ना, जी जी, तो वो एक मुझे रह गया, एक तो ऑयल था ना,
आमंड ऑयल और एक ऑलिव ऑयल, तीसरा ऑयल और एक महबूब साहब से बात करनी है, जरा जल्दी से करवा दीजिए जी। बिल्कुल कीजिए। सलाम खुर्रम जी। जी मैडम, जी मैडम, मैं तो आगे महबूब साहब से आप बात कीजिएगा, जैसे ही आप बात करिए फिर मैं जब कॉकटेल निकाल के दिखाता हूँ आपको। चलिए ठीक है, ये महबूब भाई से बात कीजिए। हेलो महबूब जी। जी सलाम वालेकुम। जी क्या हाल है? ठीक है। वो आपसे एक अनदर रिक्वेस्ट करनी थी कि ये आप रमजान शरीफ की तैयारी करवा दीजिए। बिल्कुल कर रहे हैं, इंशाल्लाह रमजान से पहले हम इसका काम शुरू कर देंगे और पूरा रमजान आपको बहुत अच्छी। रमजान में टाइम मिलता नहीं है ना देखने का, तो पहले से कुछ स्नैक्स बनाना बता दीजिए, इजीली अवेलेबल होती है। ठीक है, हम पहले से शुरू कर देंगे, फिक्र नहीं करें। ठीक है, सही है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ब्रेक का टाइम आ गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो पहले हम रबिया जिन्होंने शिकागो से हमें कॉल की थी उनके सवाल का जवाब देंगे, उसके बाद स्टेप वाइज जो है हम बाकी जो क्वेश्चन हैं उनका जवाब देंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है दौर जिंदगी में इस छोटे से वक्त के बाद। की गौ जिंदगी बस फौरन से जो है जवाब की तरफ चलते हैं। रबिया ने शिकागो से हमें कॉल करके पूछा था, क्या आप बता रहे थे शायद हेयर थिनिंग के ऊपर मैंने इसमें बात की। नहीं, हेयर थिनिंग का तकरीबन कंप्लीट हो गया था, हमने पूरा ऑयल भी बताया था, उनको विटामिन बताए थे। अब जाके उनका थोड़ा सा फेयरनेस का एक इश्यू जो था ना, व्हाइटनिंग का क्रीम, बिल्कुल बता रहा हूँ कि एक थोड़े से ये कहलाते हैं कि अगर आपकी अक्सर के लिए भी रहेगा। अच्छा, जिसके अगर पिगमेंटेशन आ जाए या उसको एज स्पॉट्स भी कहते हैं कि मतलब एज से तालुक नहीं मैं गर्मी से बहुत ज्यादा होता है या आपकी थोड़ा हीमोग्लोबिन लेवल कम होते हैं, पिगमेंटेशन आती है, झाइयां आती हैं, एक तो क्रीम बताऊंगा आपको रात में, मगर पहले एक लोकल तरीन ये आपके एज स्पॉट्स कहलाते हैं। ये देखिए, ये वाली क्रीम को आप बड़ा मद्देनजर रखेंगे बहुत तेजी के साथ। देखिए, आपने फुल क्रीम योगर्ट लिया, ठीक है, उसके साथ ऐड किया आपने 2 से 3 स्ट्रॉबेरीज, अगर वो नहीं मिली तो 3 से 4 चेरीज ऐड कीजिएगा। उसके साथ आप ऐड कीजिएगा 1 चमचा मुल्तानी मिट्टी, 1 चमचा ग्लिस्टीन और उसके साथ ऐड कीजिएगा 1 चमचा लेमन जूस, ठीक है। ये देखिए फुल क्रीम योगर्ट, ठीक है, उसके साथ आपने 2 से 3 स्ट्रॉबेरीज या 4 से 5 चेरीज, फुल क्रीम योगर्ट के साथ लाइम या लेमन, ठीक है, उसके साथ ऐड कीजिएगा थोड़ी सी थोड़ा सा आप तमाम चीजों के साथ ग्लिसरीन और इन तमाम चीजों का मिक्सचर बना के ये देखिए आप पूरे फेस पे एवरीडे, ये कहलाता है सॉल्यूशन फॉर एज स्पॉट्स, ठीक है, आपके ये पिगमेंटेशन या एज स्पॉट्स कहलाते हैं। इसको रोजाना कंटिन्यू कीजिएगा, सनस्क्रीन जरूर लगाएगा, SPF 30। अच्छा, एक और पोर्शन होता है कि लड़कियों के खासतौर पर अगर थ्रेडिंग या वैक्सिंग कराते हैं तो ये जो एरिया होता है थोड़ा सा ये बहुत डार्क रहता है और बड़ी मुश्किल से ये क्लियर होता है। इसके लिए बड़ा अच्छा कि एक तो आपके बालों की ग्रोथ भी कम करेगा इस एरिया में, ठीक है, और दूसरा आपकी जो बिल्कुल इसको जो फंगल इन्फेक्शन होता है, लोग कुछ औरतें कहते हैं जी हम शायद चूल्हा जलाते हुए दुपट्टे से मुंह पोंछते हैं तो उससे बनता है, ऐसा कुछ नहीं, फंगल इन्फेक्शन होता है। ये देखिए, आपने मुल्तानी मिट्टी लेंगे, उसके साथ ऐड करेंगे आप फुल क्रीम दही, ठीक है, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून विटामिन ई कैप्सूल, 1 चमचा हनी शहद और 1 से 2 बादाम, इन तमाम चीजों के साथ ऐड कीजिएगा थोड़ा सा लेवेंडर ऑयल और ये मिक्सचर बनेगा। ये देखिए, ये आप बना के फ्रिज में रख दें और इसको आप रोजाना पूरे चेहरे पे जहां जहां खासतौर पे ये पोर्शन जो काला होता है ना, क्योंकि लगता है कि दुपट्टे से साफ किया या फिर थ्रेडिंग या वैक्सिंग ज्यादा होती है तो ये एरिया में आप रोजाना लगाएंगे, बिल्कुल उसको आपके स्किन की ये गोरा नहीं करेगा, ये आपको लेवल पे एक टोन, जो 2 टोन स्किन हो जाती है 3, यहां से कुछ और है यहां से कुछ और है, तो एक पूरे फेस पे आप लगाएंगे तो एक टोन में स्किन। अच्छा, जल्दी से गोरा करने के लिए व्हाइटनिंग क्रीम जो है दोनों को ही इसकी रिक्वायरमेंट थी, वो पूछ रही थी, रबिया भी पूछ रही थी और अक्सा भी पूछ रही थी, वो फौरन से बता दीजिए व्हाइटनिंग का। इसके अलावा यास्मीन ने हमें कराची से भी कॉल की थी और आपका सवाल मुझे याद है सोराइसिस के बारे में आप जानना चाह रही थी, मगर पिछले जो सवाल है वो लाइंड अप है, अभी उनके जवाब देते हैं फिर आपकी तरफ आते हैं। बिल्कुल, ये देखिए, ये बड़ा आपका कॉम्प्लेक्शन बड़ा शाइनी करेगा। देखिए, इसमें आप क्या करेंगे कि तकरीबन 10 ग्राम, ये पूरे हफ्ते की क्रीम बनेगी, 10 ग्राम आप कोजिक एसिड डाय पाल्मिटेट, कोजिक एसिड के और जे आई सी, कोजिक एसिड डाय पाल्मिटेट उर्दू में भी लिखते चले जाए ब्रैकेट में, 10 ग्राम ये क्रीम होगी। उसके साथ 1 टेबल स्पून आप डालेंगे गार्लिक पेस्ट, ये एंटी एक्नी भी है, कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा करेगा और जो पिंपल्स और जितने ब्लेमिशेस है वो भी गायब करेगा। 1 चमचा मुल्तानी मिट्टी, 1 चमचा गाजर का जूस, 1 चमचा टोमेटो जूस, कैम्फर लोशन यानी काफूर का लोशन 1/2 चमचा और हनी 1 चमचा। एक दफा और बताता हूं, कोजिक एसिड डाय पाल्मिटेट 10 ग्राम, ठीक है, उसके साथ गार्लिक पेस्ट 1 चमचा, मुल्तानी मिट्टी 1 चमचा, उसके साथ गाजर का जूस 1 से 1.5 चमचा, हनी 1 चमचा, टोमेटो जूस 1 चमचा और कैम्फर लोशन
एक चमचा, ये तमाम चीजें मिक्सचर बना के रख दें और पूरे चेहरे पे आप लगाएं, जितने भी पिगमेंटेशन, जितने ब्लेमिशेस, दाने, रिंकल्स बिल्कुल क्लियर करेगा जी। ठीक है, और रूबी ने जो रियाद से हमें कॉल किया था, फौरन से आप बस एक ऑयल ही पूछा है वो बता दीजिए। जी जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था जी ऑयल कौन, बिल्कुल बता दें, बिल्कुल बता दो। ये देखिए उनका, मैं जल्दी से देखिए उनका, ये ऑयल्स थे उनके कल वाले, ये बालों की मुझे भी याद है, एक जैस्मीन था, ये देखिए ये तीन थे, मैं शक्ल दिखा दूंगा तो और याद हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये ऑलिव ऑयल है, ठीक है, मीठे बादाम का तेल है और जैस्मीन ऑयल है, ठीक है, ये तीन तेल है। और इसमें क्या करना है, ये देखिए ड्रॉप सोडियम बेंजोएट के तकरीबन आप ड्रॉप 8 से 10 कतरे, और एक में आप ऐड करेंगे जो ऑलिव ऑयल होगा उसमें एक चमचा लर्थ है, जो कि एनर्जी ड्रिंक में भी डालते हैं। ये आप थ्राइस अ वीक ऑल्टरनेट डेज पे मालिश कीजिएगा, खूब अच्छी तरह से बाल स्ट्रांग होंगे और ये बिल्कुल मिलता है कि जी तेल से आपके बाल खराब, बिल्कुल इंशाल्लाह। और सऊदी अरब से हमारे पास कॉल है शहला की, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम शहला। हेलो इंडिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास शहला, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं। जी फरमाइए, आप सवाल पूछिए। मैं ये डॉक्टर साहब से, मेरा एक ये सवाल है कि मेरे हस्बैंड का पेट काफी बाहर है, सऊदी अरब से मैं बोल रही हूँ, और जो कल उन्होंने हमको एक टैबलेट बताई थी पेट लूज करने वाली, प्लीज डॉक्टर साहब से कहिए कि बहुत स्लोली स्लोली बताए, बहुत तेज बोलते हैं जो समझ में नहीं आता है। अच्छा शहला आप लाइन पर है ना? आप लाइन पर है हमारे साथ? हेलो शहला। जी जी जी, मैं टीवी भी मेरा ऑन है लेकिन मेरी आवाज कम है। बिल्कुल ठीक है शैला, पता क्या हम अभी यही बातें कर रहे थे कि सऊदीया से आज हमें जितनी भी कॉल्स आ रही हैं वो बस वेट लॉस के बारे में बात कर रही है, तो सऊदीया के शायद खाने ऐसे हैं माशाल्लाह से खूब लोग जो है उसको एंजॉय करके खाते हैं और फिर वजन का मसला हो जाता है। थैंक यू फॉर योर कॉल, अभी इसका जवाब देते हैं। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये कि वो जो वेट का हमने कल बताया था, एक और मैं देखिए एक्सरसाइज कर, ये देखिए नी हक, तो मैंने आपको कल एक्सप्लेन भी किया था कि नी हगिंग, ठीक है, जो आप नीज को बिल्कुल आप चिपटाएंगे अपने पेट से लगाएंगे, ठीक है, ये एवरीडे करनी है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पेट पहले फॉर्म होना शुरू हो, ठीक है, और इसके अंदर इतना ना चीजें डालें कि जरा मुश्किल हो जाए। एस्कॉर्बिक एसिड ASCORBIC 150 mg रोजाना, या तो उसकी टैबलेट ले लें या आप एक ग्लास पानी में घोल कर पी जाए, बड़ा जल्दी फर्क करेगा। और मैंने जो अर्थ बताया था आपको, डेफिनेटली आपने कल नोट डाउन किया होगा, वो 1 लीटर है, पूरे दिन में यूटिलाइज करना है, बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर साथ वही है कि डाइट कंट्रोल करना है, थोड़ी एक्सरसाइज, खाने को थोड़ा सा ना रोकना पड़ेगा कि मतलब खाना सब खाए मगर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खाए, हाँ, मिकदार कर दें कम। अच्छा नाजिया का एक क्वेश्चन यहाँ पर रह गया, यास्मीन ने सोराइसिस के बारे में पूछा था, वो भी जो है रह गया सवाल, इंशाल्लाह कल उसका हम डिटेल में जवाब देंगे। वक्त बिल्कुल प्रोग्राम का खत्म होने वाला है, एक बार फिर मैं जल्दी से आपके लिए क्वेश्चन जो है आज का रिपीट कर देती हूँ। ये जो सैलेड आप देख रहे हैं, ये सैलेड इसमें किस सब्जी का इस्तेमाल किया गया है मेन्यू कार्ड के ऊपर? रायता जो आज बना है उसमें किस सब्जी का इस्तेमाल किया गया है? आप मेन्यू कार्ड के ऊपर इसका जवाब भी लिखा हुआ है, शेफ महबूब ने भी बता दिया था, मैंने भी बड़े खूबसूरत हिंट आपको दिया था, तो आप जरूर हमें SMS कीजिए, और अगर आपने हमें सही SMS किए और ज्यादा जवाब आपने हमें सेंड किए तो आप जीत सकते हैं जोनस की तरफ से बड़े जबरदस्त एक सैंडल का पेयर।